सफर हो आसान, सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। ऑफिस का काम ऑफिस में नहीं हो सकता है? फिर आपने हमें पहचाना ही नहीं अभी तक। जब मुझे काम होता है तो मैं ये नहीं देखता कि ऑफिस है या सड़क, दिन है या रात, बस काम करना है तो करना है, दैट्स इट। मैडम शायद कुछ कहना चाहती हैं। हाँ अनिका, कुछ कहना चाहती हो? नहीं कुछ भी नहीं, मैं ऊपर जाती हूँ, आप लोग काम करिए। बाय अनिका। आपके डैड बहुत अच्छे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जान निछावर करते हैं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उन्होंने कहा मुझसे। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं कि आपके डैड आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? बस यही मुझे चाहिए। ये सारी कोटेशंस को स्टडी करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि दो या तीन कंपनीज को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज की कोटेशंस इररिलेवेंट। हाँ चीचू, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ दीदी आपको फोन कर लेंगी। हाँ ओके बाय बाय। बेटा मैं तेरा पापा हूं, तेरी आंखों में सब कुछ पढ़ सकता हूं मैं। टेंडर पास हो गया भाभी, विमान का टेंडर पास हो गया भाभी। मैं अपनी इस खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब देखना अनिता, यशराज टेलीकम्युनिकेशंस आसमान की उस बुलंदियों को छुएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। कांग्रेचुलेशंस माय ग्रेट ब्रदर, I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you. भाई बहुत कम वक्त में तुमने इतनी तरक्की हासिल कर ली। भैया ये तो कुछ नहीं, आप देखते जाइए, आपका ये ग्रेट ग्रेट ब्रदर कामयाबी के सीन पे बैठ के अपने सपने कैसे पूरे करता है। This is nothing. बस 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 यश, कहीं सोने की लंका बनाने का इरादा तो नहीं है? ओह क्या बात कर दिया आप। और सोने की लंका तो अतीत है, यश वर्तमान है, प्रेजेंट है। अब देखिए यश आगे आगे क्या करता है, अपनी कंपनी को कहां से कहां लेके जाता है। यूं सबा। तुम ठीक कह रहे हो यश, इंसान जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो मजबूत बन जाता है। लेकिन मेरे भाई इतना मजबूत मत बनना कि तुम्हें अपनों की जरूरत महसूस ना हो। और कोई बात नहीं, मैं आपका इशारा समझ गया भैया, आपका इशारा अनीता की तरफ है ना। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक भैया, अनीता खुश है, लेकिन एक मामले में आपसे मैं हार गया हूं। ये जो शादी करके आपने अनीता जो मुझे गिफ्ट की, बिलीव, लेकिन कोई बात नहीं, हारा तो आपके सामने मेरे भैया के सामने, नो प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया के सामने मैं नहीं हार सकता। अब देखना मैं दुनिया को कैसे हाराता, एंड आई विल बी द विनर। रियली? फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। कहां जा रहा है भैया? साइड पे जा रहा हूं, as simple as that। इतनी रात गए भैया? यश के लिए काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, न दिन न रात, बाय बाय। अरे क्या देखा, बना गया।
प्रमोद वर्मा। प्रमोद वर्मा, कैसे हैं मिजाज आपके? आपका मुरझाया हुआ चेहरा ये चीख चीख कर कह रहा है कि आप थोड़े से परेशान, काफी परेशान। परेशान तो नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी पर हैरान तो जरूर हूं। मेरी कामयाबी और तुम्हारी बर्बादी का खाता तो अब खुला है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बहुत उड़ रहा मिस्टर यशराज भाटिया, लेकिन मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, यह सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलने दूंगा। अब उधर कितनी भी ऊंची उड़ान ले, बाज नहीं बन सकता। करेक्ट। चूहा अपनी आंखें बंद करता है, ये सोचता है कि बिल्ली उसके बगल से गुजर जाएगी, लेकिन ये चूहे की गलत फहमी है। ऊंचाइयों को चूमने की तमन्ना रखने वाले जब जमीन पे गिरते हैं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस नादानी पर, और क्योंकि प्रमोद वर्मा के रास्ते में आने वाला तूफान या तो अपना रास्ता मोड़ लेता है या फिर अपनी रफ्तार कम कर देता है। नादान कौन है, बदनसीब कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त मेरा है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी इस ओवर कॉन्फिडेंस की। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं। मुबारक हो यशराज भाटिया, मुबारक। थैंक यू। हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी बर्बादी पर भी सबसे पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आऊंगा। चलिए, खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल अपनी बर्बादी की मुबारकबाद कबूल कीजिए। बर्बादी मुबारक हो मिस्टर प्रमोद वर्मा। थैंक यू नहीं कहूं? थैंक यू। गुड, यू वेलकम। यशराज भाटिया, ये टेंडर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। कर्नल रंजीत कपूर हैज बीन फाउंड गिल्टी। ही शुड बी ऑन द डेट ऑफ 4th मंथ ऑफ जुलाई 2001 कोर्ट मार्शल। हेलो, मे आई स्पीक टू अनीता प्लीज? मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता बेटी, मैं कर्नल सक्सेना बोल रहा हूँ। तुम फौरन हॉस्पिटल चली आओ। क्यों अंकल, हॉस्पिटल में बात क्या है? बेटी, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, एंड आई एम सॉरी टू से ही इज वेरी सीरियस। क्या अंकल, अंकल क्या हुआ पापा को? पापा हॉस्पिटल में क्यों है बताइए ना अंकल, प्लीज बताइए क्या हुआ पापा को। कर्नल साहब ने अपने साथ साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को भी गोली मार दी। क्या 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 क्या? ये तो अनीता की चीख। अनीता, 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 क्या बात है अनीता? जल्दी चलो, नीचे चलो। अनीता, 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 क्या हुआ अनीता? अनीता, क्या बात है अनीता? क्या बात है अनीता, तुम परेशान क्यों? हेलो, क्या बात है अनीता, बताओ तो सही। अनीता, किसका फोन था बोलो। अनीता, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अनीता, अब आते हैं अनीता। बोलो बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या बात, क्या बात है, बोलो। बहन,
डैडी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्या हुआ उन्हें? डैडी ने माँ को सीमा और अपने आप को गोली मार दी। ओह गॉड। अनीता, अनीता। धीरज रखो, धीरज रखो। अनीता हौसला रखो, प्लीज आप यश को फोन कीजिए, उसे इन्फॉर्म कीजिए प्लीज जल्दी। यश बैठ। अनीता, अनीता। डैडी ने ऐसा क्यों किया? डैडी ने ऐसा क्यों किया? अनीता धीरज रखो, धीरज रखो। अनीता हॉस्पिटल में जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा। अनीता शिट। अनीता Oh God, both the lines are engaged. हम यश को बाद में इन्फॉर्म करेंगे, पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलो। चलो 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 अनीता, चलो कम 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 कम। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे मेरा सपना कोई नहीं छीन सकता। मैं जिंदगी में हार नहीं सकता, मैं जिंदगी में हार नहीं सकता। मेरा टेंडर रिजेक्ट नहीं हो सकता, मेरा टेंडर रिजेक्ट नहीं हो सकता, मेरा टेंडर रिजेक्ट नहीं हो सकता। गद्दारी की है मेरे साथ किसी ने, गद्दारी की। मुबारक हो, मुबारक हो मिस्टर यशराज भाटिया। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम बर्बाद हो जाओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आऊंगा। मुबारक हो। थैंक यू नहीं कहोगे? चलो भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रंगत कह रही कि तुम परेशान हो। रोहन वर्मा, मेरी ये परेशानी तुझ पर पहाड़ बनके टूटेगी। तुम्हारी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो लोग जमीन को भूल जाते हैं वो लोग तुम्हारी तरह छटपटाते हैं। प्रमोद वर्मा, मेरी ये बर्बादी तेरे लिए नासूर बन जाएगी। प्रमोद वर्मा, मैं भीख मंगवाऊंगा तुझसे। प्रमोद वर्मा, भीख मंगवाऊंगा तुझसे। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त तुम्हारे ससुर कर्नल रंजीत कपूर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। क्या किया तूने मेरे डैड को? मैं पूछता हूं, क्या किया तूने मेरे डैड को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बस कोर्ट मार्शल के हुक्म ने उन्हें अपने आप पर गोली मारने पर मजबूर कर दिया। अफसोस हो रहा है ना? तुम्हारे अफसोस में और थोड़ा इजाफा कर दो। कर्नल रंजीत कपूर ने अपने साथ साथ अपनी पत्नी और तुम्हारी साली को भी गोली मार दी। प्रमोद वर्मा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है और अभी हालत बात पर है, लात तक नहीं। प्रमोद वर्मा, अगर तेरी वजह से उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं इन्हीं हाथों से तुझे बर्बाद कर दूंगा। प्रमोद वर्मा, सौगंध खाता हूं, मैं सचमुच तुझे बर्बाद कर दूंगा। अभी वक्त मेरे हाथ में, और अभी तुम मेरे सामने बर्बाद हुए खड़े हो। अपने आप को संभाल लो, वरना इससे बर्बाद करूंगा। बर्बाद भी
तुमसे शर्म खाई। अंकल, अंकल। अच्छा हुआ अनीता बेटी तुम आ गई। हाँ लेकिन पापा मम्मी और सीमा कैसे हैं? ऑपरेशन चल रहा है। अकलू बच तो जाएंगे ना? हम सब लोग यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच जाए। भैया मम्मी पापा बच जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे बहुत डर लगता है। अनीता, अनीता संभालो अपने आप को। अनीता धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता संभालो, प्लीज संभालो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ही टूट गए। सिस्टर, अंदर सब कैसे? हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब? सिस्टर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा दीजिए प्लीज सिस्टर, उन्हें बचा दीजिए सिस्टर प्लीज, बचा दीजिए। अनीता देखा आपने क्या कहा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। अनीता सब ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम अनीता को संभालो, मैं सीनियर डॉक्टर से मिलके आता हूँ। I'll just get to know. Excuse me, doctor. Yes. कर्नल साहब की हमें बड़ा दुख है कि हम कर्नल साहब और उनकी पत्नी को नहीं बचा सके। Oh God! ये आप क्या कह रहे हैं? यश तुम आ गए। अनीता, अनीता के मम्मी डैडी नहीं रहे। कोई बात नहीं, बस मम्मी पापा नहीं। मैं क्या करूं अनीता? ओके ओके अनीता, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, नहीं होती। ओके 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 अनीता, प्लीज 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 कंट्रोल योरसेल्फ अनीता, प्लीज यश को वापस ले, उन दोनों को वापस ले। अनीता मैं प्लीज, अनीता संभालो अपने आप को। तुम्हें तुम्हें सीमा के बारे में भी सोचना है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम्हें सीमा के बारे में सोचना है ना, तुम्हारी बहन है ना वो। अनीता बस, अनीता बस, बस अनीता बस, प्लीज बस बस बस। अनीता प्लीज बस करो, संभालो अपने आप को। अनीता प्लीज बस करो ना, कितना रोगी तू, बस। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह रख सकती हूँ। अनीता मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? अच्छा आज अचानक आपको मेरी चिंता की इतनी फिक्र कैसे हो गई? What are you talking, अनीता? मैंने तुम्हारा ख्याल कब नहीं रखा? मैं हमेशा से तुम्हारी चिंता करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मेरी चिंता करते हैं। लेकिन आपने मेरी फिक्र सिर्फ उस वक्त तक की जब तक मैं आपका वो टेंडर पास करा के नहीं लेके आया पापा से। अनीता सिर्फ तब तक ख्याल रखा आपने, बस। ये क्या कह रही है तुम? सच्चाई, सच्चाई कह रही हूं मैं। आपने मुझसे शादी सिर्फ उस टेंडर के लिए की, सिर्फ उस टेंडर के लिए। अनीता क्यों सच्चाई सुनना नहीं चाहते हम? एक और सच्चाई सुनिए, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आपने मुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं।
क्या बुरा करता था मैं कि अपने काम से प्यार करता था? हाँ, इस घर के लिए करता हूं मैं, तुम्हारे लिए करता हूं मैं। ओ, मेरे लिए खातिर, मेरे खातिर करते हैं हम। अच्छा, आपने कब मेरी खुशियों का ख्याल रखा ये बताइए। मेरे मेरे सपने क्या है कभी ये जानने की कोशिश की है? मैं चाहती क्या हूँ ये जानने की कोशिश की है कभी आपने? अनीता, तुम्हारे और मेरे सपने अलग अलग नहीं। अलग अलग है, अलग अलग है। आपके और मेरे सपने अलग अलग है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया और मैंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपने सपनों का जला फोड़ दिया सिर्फ आपकी खातिर। अनीता, तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम क्या बोल रही हो तुम्हें पता नहीं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चुप मत, मत छुआ मुझे। नफरत होती है मुझे तुमसे क्योंकि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे मां बाबूजी की मौत हुई। अनीता, तुम मुझ पर बहुत बड़ा घिनौना इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं है ये, इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। आपने शादी उस टाइम में केले की और मेरे बाबूजी ने सिर्फ सिर्फ मेरी खुशियों के खातिर उस टेंडर को पास किया, साइन किया उस पर। पति पत्नी के रिलेशन के बीच में आपने आपने अपने बिजनेस की दीवार खड़ी कर दी। उस दीवार के अंदर तक के मेरे मेरे माँ डैडी की मौत हो गई। अनीता, तुम अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही हो, अपने हस्बैंड पे। इल्जाम नहीं है, तुम जो भी करते हो सिर्फ अपने मतलब के लिए करते हो। I hate you. You hate your husband? Yes, I hate you. Just leave. निकल जाओ यहाँ से, please. मैं तो ऐसा नहीं देखना चाहती हूँ, please. Leave me alone. Leave. प्यार नहीं करती, प्यार करती हूँ सिर्फ अपने काम से।